नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सुबह के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है हिंदुस्तान 100 का। शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की आफत, पानी से लबालब सड़क। मुंबई के निमाता इलाके में बीती रात भारी बारिश, चारों ओर पानी पानी, लोग जहां तहां फंसे। मुंबई में तेज बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के लिए रेड अलर्ट, पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, अब तक 25 लोगों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बाढ़ से बुरे हालात, भारी बारिश के चलते मकान हुआ धराशायी। भारी बारिश के चलते हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर जल रही है नाव। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ में फंसे बच्चे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। दक्षिण में भारी बारिश से तबाही के बीच पीएम मोदी ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। भारी बारिश से बेहाल हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में बाढ़ जैसे हालात। हैदराबाद में आफत की बारिश, सैलाब में बह गई कई गाड़ियां। आंध्र प्रदेश में दिखा बारिश का रौद्र रूप, विशाखापट्टनम में सैलाब में डूबा रेलवे ट्रैक। भारी बारिश के बाद तेलंगाना में 2 दिन की छुट्टी घोषित, आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। तेज बारिश के चलते पुणे सोलापुर हाईवे बंद, लोगों को इस हाईवे से ना जाने की दी गई सलाह। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, सीजेआई एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ दोपहर 12 बजे के बाद करेगी सुनवाई। हाथरस केस में सीबीआई ने पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से की पूछताछ, जेल में जाकर के आरोपी पक्ष से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। हाथरस केस में सीबीआई जांच में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, हॉस्पिटल का सीसीटीवी नहीं रखा गया सुरक्षित। मथुरा जेल में ईडी की टीम ने पीएफआई के एजेंट से 5 घंटे तक की पूछताछ, ईडी के हाथ लगी अहम जानकारी। लखनऊ में विधानसभा के पास आत्मदाह करने वाली अंजलि ने तोड़ा दम, ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। अंजलि ने धर्म परिवर्तन कर आसिफ नाम के शख्स से की थी शादी, महिला आत्मदाह के पीछे लवजात का खुलासा। महिला के आत्मदाह मामले में महाराजगंज कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक प्रसाद हिरासत में, आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप। एक्सीडेंट रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज पर मिसाइल के टेस्ट फायर का वीडियो, 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को बर्बाद कर सकती है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का नेपाली संसद में होगा सम्मान, नेपाली सेना के जनरल का मानक रैंक से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, बॉर्डर एक्शन टीम ने कराई घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। नवंबर से असम में सरकारी मदरसे बंद, मजहबी तालीम पर असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान, कहा सरकारी पैसे पर नहीं पढ़ाई जा सकती है कुरान। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान, अनुच्छेद 370 हटाने को बताया काला दिन। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच पूरी, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को किसी तरह की साजिश नहीं दिखाई दी। नई शिक्षा नीति के लिए मोदी सरकार की स्टार्स योजना, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज को मंजूरी, ये पैसा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत दिया गया। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला, केंद्र के कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए बिल लाया जाएगा। पूरे देश में आज से खुलेंगे सिनेमाघर, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 50 टीमों की दिल्ली में तैनाती, दिल्ली एनसीआर को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों पर होगी नजर। उधर सरकार का देवेंद्र फडणवीस को एक और झटका, जलायुक्त शिविर प्रोजेक्ट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच का आदेश। मुंबई में 19 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा, साप्ताहिक बाजार और लाइब्रेरी खोलने की भी छूट। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 25,000, ग्रेजुएट करने पर मिलेगा 50,000। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, 2 मंत्रियों समेत 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस में शामिल हुई शरद यादव की बेटी सुभाषिनी, दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में थामा पार्टी का दामन। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुरा सीट से भरा पर्चा, नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने मां का लिया आशीर्वाद। पूर्ण पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया ने भरा पर्चा, बाकी पूरा विधानसभा सीट से भरा नामांकन। मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी साधना कोरोना पॉजिटिव, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,324 नए केस कोरोना के सामने आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,552 नए केस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 72 लाख के पार पहुंचा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले आए।
राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2021 नए मामले किए गए रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3677 मामले किए गए दर्ज। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। 17 अक्टूबर को महिलाओं से संवाद करेंगे सीएम योगी, महिलाओं की स्थिति और उनसे जुड़े अपराध पर होगी चर्चा। बाहुबली अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी कुर्क कैंट पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दी जांच। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कानपुर के असलाह विभाग से विकास दुबे के शस्त्र लाइसेंस की फाइल गायब। केंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, अब नहीं होगी कर्मचारियों के एक दिन की वेतन कटौती। बरेली में भ्रष्टाचार के आरोप में 10 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों का नोटों के बंटवारे का वीडियो हुआ तबादला। मुख्तार अंसारी के करीबी अस्पताल संचालक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। गाजियाबाद के कारोबारी अजय पांचाल की हत्या का हुआ खुलासा। मध्यप्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट में 10वें नंबर पर सिंधिया का नाम। मध्यप्रदेश के उपचुनाव में पोस्टर वॉर जारी, कांग्रेस ने कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम और बीजेपी को बताया सत्ता हरण करने वाला रावण। केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान का भूपेश सरकार पर वार, नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाने का आरोप। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया कानून व्यवस्था की समीक्षा। मध्यप्रदेश के छतरपुर में युवक की बेरहमी से हुई पिटाई। निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर के जबलपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। इंदौर में निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावकों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में एक और हाथी की मौत से वन विभाग पर अब उठने लगे हैं सवाल। किशनगंज में डंप तोड़ती नजर आ रही है 7 निश्चय योजना। गोपालगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रक से लाखों रुपए की शराब हुई बरामद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की युवाओं को बड़ी सौगात, प्रदेश में 21,000 शिक्षकों की भर्ती को दी गई मंजूरी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छिड़ा संग्राम, शिक्षक और प्रशासन आमने सामने। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ विधायक की गाड़ी पर पत्थर से हमला। पाली में सुमेरपुर के अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर रमेश पटेल के साथ सरिये से की गई मारपीट। सिरोही के आबू रोड में होटल कर्मचारी से हुई मारपीट, 2 बदमाशों ने होटल पुलिस का किया हमला। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में भीड़ का तालिबानी चेहरा, चोरी के शक में महिला की सरेआम पिटाई। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाश बेखौफ, महज 20 मिनट में लूटे 6,48,000 रुपए। जयपुर के मनोहर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से बरामद की 60 लाख की अवैध शराब। लक्ष्मी विलास बैंक के राइट्स इशू पर 15 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूल बंद होने से 400 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। फूड और बेवरेज कंपनी पेप्सिको उत्तर प्रदेश में लगाएगी आलू चिप्स बनाने की फैक्ट्री। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के आगे राजस्थान पस्त, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराया। अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स से रवि शास्त्री की अपील, कहा क्रिकेट को आपकी जरूरत है। दोगुनी हुई अक्षय कुमार की फीस, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अतरंगी रे में कैमियो के लिए अक्षय ने लिए 27 करोड़ रुपए। फिल्म 800 में दिखेगा पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की कहानी। संजीव कुमार की सुपरहिट फिल्म अंगूर का रीमेक बनाएंगे डायरेक्टर रोहित शेट्टी। नेहा कक्कड़ के बाद अब सिंगर आदित्य नारायण करने जा रहे हैं शादी, आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बनेंगे शादी के बंधन। कोरोना केयर के बीच फ्रांस ने शुरू किया विंटर फ्लू के लिए वैक्सीनेशन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पूरे देश में तालिबानी तालाबंदी का विरोध किया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तरी आयरलैंड का बड़ा कदम, 2 हफ्ते के लिए स्कूल और 4 हफ्ते के लिए सभी रेस्टोरेंट बंद। डेमोक्रेसी के लिए तेज हुई थाईलैंड में लड़ाई, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर। अजरबैजान और आर्मेनिया मामले में तुर्की के राष्ट्रपति का बयान, कहा मिन्स्क समूह ने दोहराया इस क्षेत्र को अजरबैजान को वापस दिया जाना चाहिए। घर में पेस्ट कंट्रोल करवाने का यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है, बस एक कीड़े खाने वाले पक्षी को पकड़ करके ले आइए, हो गया काम। आपने अपने बच्चे के पहले बर्थडे पर उसे एक्साइटेड होते देखा होगा, लेकिन इस बच्चे को कौन बताया कि कैंडल को ब्लो करते हैं, हाथ से नहीं बुझाते। नाले में कचरा इतना ज्यादा था कि उसे साफ करने वाली मशीन भी यहां फंस गई। एंकर आराम से मौसम का हाल समझा रही थी, तभी कैमरे के सामने आ गया कौवा, फिर क्या था एंकर बिना हंसे नहीं रह पाई। गोदाम में ट्रॉली ने गलती से एक रैक पर टक्कर मार दी, उसके बाद एक एक करके सारे रैक जमीन पर धराशायी। इस नन्हे खिलाड़ी का निशाना अचूक है, आगे से नहीं बल्कि पीछे से बॉल को ऐसा हवा में उछालता है कि सीधा बास्केट में जाकर गिरती है। कुत्ते इंसानों के अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन ये जब शरारत करने पर आ जाते हैं तो फिर इंसानों के लेने के देने पड़ जाते हैं। ये मछली निडर है, जैसे ही उसके सामने कोई चीज घुमाई जाती है उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और उसका मुकाबला करने लगती है। डॉग के मुंह पर चिड़िया का छोटा सा बच्चा, नन्हे बच्चे को तकलीफ ना हो इसलिए वो एक ही पोजिशन में बैठा रहा।
आज उस भालू माँ को बड़ा शिकार हाथ लगा है और वो अपने बच्चे के साथ इसकी दावत उड़ाने जा रही है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।